तो यहाँ पे गंदा सीन हो गया है क्योंकि मेरी बाइक का टायर जो है वो बैठ चुका है। तो अभी देख पाए साहिल बड़े दिनों के बाद मेरे पास आया और आज हम जिम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मुझे लग रहा था -4 या -5 था, बट -3 था तब भी, बट बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो सिर पे बहुत सारा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तो अभी चलते हैं, अभी चलते हैं बाहर। अभी बाहर काम है दुकान का, तो वो करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो कल जो पीनट बटर लाई थी, तो आज इसको डालते हैं। कम से कम मैं 2 महीने के बाद खा रहा हूँ पीनट बटर, तो देखते हैं कैसा रहेगा। यार ये तो पूरी जम चुकी है, ये कुल ये देखो भाई साहब, डाल दिया अब इसमें पीनट बटर। इसको रखते हैं 1-2 मिनट ऐसे ही, फिर इसको खाते हैं। चलिए जी खाते हैं अपनी फर्स्ट मील, देखते हैं। टेस्ट बढ़िया है इसमें। जो मैं इसके साथ शहद मिला था उसको, बस शहद का टेस्ट आता था, कुछ नहीं। आज तो इसमें पीनट बटर का टेस्ट ऐसा आ रहा है ना कि मतलब अगर ये पूरी बाउल भी होगी ना, पूरी बाउल खा जाऊंगा। और इसका कलर भी चेंज हो चुका है ना, देखो ये चॉकलेटी पूरी हो गई है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, फिर हमें पुलिस स्टेशन भी जाना है और वो फार्म वहाँ पर देना है। चूँकि तभी बज गए 11 और मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन वो फार्म लेने। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं वो फार्म, वो मैंने कमरे में रखा हुआ है, तो चलिए लेते हैं उससे। जी फार्म तो मैंने ले लिया, तो चलिए करते हैं अपनी बाइक स्टार्ट और निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन और देते हैं उनको ये फार्म। तो यहाँ पे गंदा सीन हो गया है क्योंकि मेरी बाइक का टायर जो है वो बैठ चुका है। तो अभी देखता हूँ पंप लगा के, तो अभी देखता हूँ हवा भर के, देखता हूँ चलेगा या नहीं चलेगा, या तो पंचर हो चुका होगा या देखते हैं। अभी पंप ढूंढते हैं तो फिर इसमें भरते हैं। हवा तो मैंने इसमें भर दी बट मेरी सांस फूल गई। तो चलिए जी करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो पिछले 1 महीने से मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है जब से बर्फ़ पड़ी है, तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो नहीं होगी, बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो चलिए जी। और शिजान का भी फोन आया हुआ है, उसका पार्सल कुछ आया हुआ है, वो भी लेना पड़ेगा। तो पुलिस स्टेशन से मैं अभी आ चुका हूँ, मैंने बाइक वहीं पे दे दी मिस्टर के पास, क्योंकि उसमें मोबाइल ऑयल चेंज करवाना था। तो मैंने बोला चलो इसमें मोबाइल चेंज करवा देना, बाद में लेके जाऊंगा। तो उसने बोला आज नहीं, कल या परसों दे दूंगा, कल संडे वैसे दुकान बंद रहेगी, परसों में तुम्हें दे दूंगा। और जो सेजंग का पार्सल था जो मुंबई पहुंच चुका था, तो मैंने उसको जब फ़ोन किया उसने बोला भाई यारीपुरा ही आ जाऊंगा मैं, तुम्हें वहीं पे दे दूंगा, तो तुम वहीं पे वेट करना। तो चले 2 बजे वो आएगा, 2 बजे उसे पार्सल लेते हैं। तो चलिए मैं खाता हूँ अभी खाना, तो फिर जाते हैं दुकान पर। तो मैं जा रहा हूँ दुकान पर, पापा को छोड़ने, वो खाना खाना आएंगे और उसके बाद वो पार्सल भी पकड़ना है मुझे। बट यार कश्मीर का मौसम कुछ देखो कैसा, धूप बहुत अच्छी खिल रही है बट सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अभी जाते हैं दुकान पे हम पापा को छोड़ने, फिर देखते हैं कल हमारा मैच भी हो सकता है, अगर ग्राउंड सूख गया होगा तो कल हमारा मैच होगा। तो चलिए जी। हाय साहिल बड़े दिनों के बाद मेरे पास आया और आज हम जिम जाएंगे, मुझे लगता है 100% आज जाएंगे, अगर नहीं जाएगा तब भी मैं इसको ले जाऊंगा जिम आज। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं इसको लैपटॉप अपने बेचने, और पता नहीं उनको क्या करना है, तो वहाँ पर चलेंगे हम, फिर वहाँ से निकल के फिर हम जिम निकलेंगे। हम निकल चुके हैं यहाँ से, वो है ही नहीं बंदा यहाँ पर, तो कहीं गया वो, इसे आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटे के बाद हम वापस आएंगे, पहले हम जिम जाएंगे, फिर वहाँ से आके फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी घर हम। तो खाना वाना मैंने खा लिया, तो अब मैं निकल रहा हूँ जिम। आज साहिल बोल रहा था आऊँगा, अगर वो आया जिम तो आया, आया नहीं तो वो मंडे से आएगा ज़रूर। तो चलिए चलते हैं जिम, मिलते हैं आपको सीधे जिम पे। तो अभी जो सीजन का पार्सल आ चुका था, वो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है कि वो अड्डे में वेट कर रहा है और उसे वो पार्सल भी लेना है, तो पार्सल मैं यहीं से ले लूँगा, फिर देखता हूँ उसके बाद उसको खोलूंगा मैं वहाँ से घर आने के बाद, देखता हूँ उसमें क्या होगा। पहले शीजान से पूछ लेता हूँ, वरना नहीं खोलूंगा, जब वो इजाज़त देगा तभी खोलूंगा, उससे पहले नहीं खोलूंगा। तो चलिए चलते हैं अभी, पार्सल भी लेंगे और जिम भी यहाँ से चले जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो स्क्वाट से हम स्टार्ट करेंगे, इसका हम वेट 30 kg से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जी करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज।
सेकंड वाला एक्सरसाइज लेग्स की रहेगी, वो लेग्स एक्सटेंशन करूंगा मैं यहाँ पे। तो चलिए जी करते हैं इसको स्टार्ट। इसको मैं 100 से स्टार्ट करूंगा, बट 10 रैप मारूंगा, तो उसके बाद में वेट कम करके सिंगल पे मारूंगा। तो चलिए जी करते हैं ये वाली भी एक्सरसाइज। थर्ड वन एक्सरसाइज जो मेरी रहेगी वो लेग प्रेस रहेगी, तो ये खत्म करेगा, उसके बाद मैं करूंगा। तो चलिए करते हैं इस वाली को, फिर उसके बाद हम शोल्डर का एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट शोल्डर की जो एक्सरसाइज रहेगी वो मल्टीपुल जो यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। तो चलिए जी करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को, उसके बाद मैं डंबल से स्टार्ट करूंगा। तो अभी जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, मैं डंबल से स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ शोल्डर की, मैं क्रॉस केबल से स्टार्ट करूंगा यहीं पे साइड रिल्स। तो चलिए करते हैं ये वाली एक्सरसाइज, फिर इसके बाद डंबल करेंगे। वर्कआउट हो चुका है खत्म और अब निकले गए हम घर और 5 भी बज गए। तो चलिए जी लाइटें यहाँ पे बंद करनी है हमें, क्योंकि लाइटें खोल के नहीं रखनी है, इन्वर्टर हमारा यहाँ डाउन हो जाता है। तो चलिए जी अभी करते हैं चेंज, फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। जी करते हैं लाइट भी बंद और हम निकल जाते हैं। और ये 1-2 इनको बंद, बाकी तो सारा बंद है। तो चलिए चलते हैं, उठाते हैं अपना बैग और निकल जाते हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं दुकान पे, और अंधेरे भी होने लग गए हैं। तो चलिए चलते हैं दुकान पे, दुकान साफ करते हैं और मुझे अंडों की ट्राई भी लेके आनी है। तो चलिए चलते हैं। तो घर तो मैं पहुंच चुका हूँ और मैंने अंडे की ट्राई भी लाई, क्योंकि अंडे की ट्राई खत्म हो चुकी थी और वो बज रहे हैं 8। तो चलिए जी चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे।